हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पावर बीआई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कार्ड बनाना सीखेंगे। अब इसके बाद मुझे डेटा, जो भी मेरा डेटा है, यहाँ पे देखो, ये जो मेरा डेटा है उसको मुझे यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लाइंट को टोटल सेल अगर शो करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे विजुअल्स है। सो यहां से मैं एक विजुअल उठाऊंगा, उसका नाम है कार्ड। ओके, सो इसको कार्ड को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। कार्ड को क्लिक करने के बाद उसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन करूंगा, जहां पे भी मुझे चाहिए वहां पे मैं उसको सेट करूंगा। सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल सेल। तो मेरे पास ये सेल अवेलेबल है, तो मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सेल। तो यहाँ पे मैं उसको सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ सेल। सो सम ऑफ सेल आ गया, लेकिन ये सम ऑफ सेल नहीं, मुझे इसको टोटल सेल करके दिखाना है। तो मैं यहाँ का क्या करूंगा, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा टोटल सेल। अब इस पर्टिकुलर टोटल सेल को मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल्स, यहां पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पे दो ऑप्शंस है, एक कॉल आउट वैल्यू और एक कैटेगरी लेबल। तो ये जो टोटल सेल जो होता है वो है मेरा कैटेगरी लेबल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अगर उसको आपको नहीं चाहिए तो आप यहां पे बोल सकते हो ऑफ, तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे उसको चाहिए तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑन। और इसको मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बोल्ड। अगर इसका फॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो। अगर इसको आपको दूसरे कलर में करना है तो आप उसको दूसरे कलर में भी कर सकते हो। सो राइट नाउ ये कलर फाइन है। सो ये कलर लेबल हो गया। उसके बाद ये जो नंबर है ये मेरा टोटल सेल है, यहाँ पे ये के दिखाई दे रहा है, के मीन्स 1000। तो अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कॉल आउट वैल्यू। अगर उसका आपको फॉन्ट का साइज अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। उसको अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड भी कर सकते हो। और अगर उसका फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे ये जो यूनिट प्राइस है ये के में है, तो अगर मुझे दूसरा अगर यूनिट प्राइस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लेट्स से मुझे कोई भी यूनिट प्राइस नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नन। ओके, सो जो भी वैल्यू है वो मुझे दिखाई देगा। लेट्स कंसिडर करो कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो सेल है वो मिलियंस में है, तो इस केस में आप इस मिलियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपका सेल जो है वो बिलियंस में है तो आप बिलियंस और ट्रिलियंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ मेरा सेल बहुत कम है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नन। तो जो एक्चुअल सेल है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो सेल है ये नंबर्स है, अगर मुझे उसको डेसिमल में चाहिए तो यहाँ पे देखो ऑटो है, तो अगर मुझे इसको अप टू 2 डेसिमल चाहिए तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 2। तो यहाँ पे देखो डेसिमल आ गया 2। सो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इस वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। ये होने के बाद अब मुझे इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है। ये जो कार्ड है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जनरल। जनरल होने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स और यहाँ पे बैकग्राउंड है ऑन। अगर आपको बैकग्राउंड को ऑफ करना है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑफ, लेकिन मुझे ऑन रखना है। और इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये बैकग्राउंड। सो इस तरीके से मैं उसको बैकग्राउंड मैंने चेंज किया। अगर आपको चाहिए तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं, सो वो ज्यादा डार्कर होते जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई बॉर्डर नहीं है, तो मुझे उसको बॉर्डर देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा जनरल और यहां पे इफेक्ट। यहां पे देखो बॉर्डर है, तो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो मैं उसको क्या करूंगा, इसको ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद यहां पे मुझे देखो एक ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है।
सो मैं उसको थोड़ा वाइट करता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलूंगा जनरल इफेक्ट, और इफेक्ट में जाने के बाद ये जो विजुअल्स है मैं उसको ऑन करूंगा। बाय डिफॉल्ट इसका कलर है ब्लैक, तो मैं उसको थोड़ा सा वाइट कलर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाइट कलर का बॉर्डर आ गया। अब इसके जो राउंड्स है उसको मुझे थोड़ा कर्व करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से जाऊंगा मैं जनरल, और उसके बाद इफेक्ट, और इफेक्ट में जाने के बाद ये जो विजुअल्स है इसको मैं थोड़ा सा कर्व करता हूँ, ये जो राउंड्स है इसको मैं थोड़ा सा कर्व करता हूँ। तो जितने भी पिक्सल का आपको कर्व चाहिए उतने पिक्सल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट करता हूँ 8, तो देखिए इस तरीके से आपका कर्व हो चुका है। ठीक है, अब ये कर्व होने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मुझे इसको थोड़ा सा शैडो करना है तो मैं इस पर शैडो इफेक्ट डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे बोलना पड़ेगा जनरल, जनरल के बाद यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे शैडो, बाय डिफॉल्ट शैडो ऑफ है तो मैं उसको ऑन करूंगा, और देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर का शैडो आ चुका है। मैं इसको अगर मुझे अगर इस कलर को अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ वाइट, और ये शैडो जो है वो आउटसाइड है, तो अगर मुझे आउटसाइड की जगह उसको इनसाइड करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर उसको बॉटम राइट की जगह मुझे कुछ सेंटर या लेफ्ट या राइट जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, जैसे बॉटम, तो ये सिर्फ बॉटम पे होगा, तो आप इस पे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बॉटम राइट, तो इस तरीके से मेरा जो कार्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये है मेरा टोटल सेल, और जो सेल होता है वो रुपी के फॉर्मेट में, अगर आप इंडियन में कन्वर्ट करते हो तो वो रुपी में होगा, अगर आप ये जो सेल है वो अगर डॉलर में है तो यहाँ पे डॉलर में होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे अगर कुछ रुपी सिंबल या डॉलर सिंबल चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा टेबल व्यू, और टेबल व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ये जो सेल है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा होल नंबर, तो होल नंबर की जगह मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूंगा करेंसी फॉर्मेट, तो मैं इस करेंसी फॉर्मेट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डॉलर साइन आ चुका है। ठीक है, तो मैं अगर रिपोर्ट व्यू में जाता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये डॉलर साइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कंसिडर करो कि मुझे डॉलर साइन की जगह रुपी सिंबल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये डॉलर साइन है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करूंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा रुपी सिंबल, सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये रुपी सिंबल। तो जैसे मैं इसको रुपी सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी रुपी सिंबल आ चुका है, और अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा रुपी सिंबल आ चुका है। तो इस तरीके से कार्ड को हम क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉलम चार्ट को क्रिएट करना सीखेंगे।